So let's today start with next topic, that is derivative of just a second. Okay, so let's continue with derivative of parametric function. That is the next topic. Okay. So I hope you must have understood all the concepts, whatever we have learned till yesterday. Kuch doubt hai usme? कल तक हमने जो भी पढ़ा उसमें नहीं सर. ओके चलिए तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैरामेट्रिक फंक्शन. तो यहां पर जो कंसेप्ट है समवॉट इट इज सिमिलर टू कंपोजिट फंक्शंस वाला कंसेप्ट, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है. ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या होता है? सी, अप टिल नाउ वी हैव सीन y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y और इट्स अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब कि इंप्लिसिट फंक्शन जो हमने बात किया. नाउ सम टाइम्स व्हाट हैपेंस, वी आर सो टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक, अभी तक दो ही वेरिएबल्स आए हमारे पास, x और y, और उनके फिर फंक्शंस. बट वेरिएबल्स बेसिकली मेरे पास दो ही है, एक्स और वाई. नाउ व्हाट इज द पैरामेट्रिक फंक्शन फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड. सो इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, इन दिस केस if x is equal to f of t, y is equal to g of t, t is a third variable. T is a third variable, that is parameter. So this t is called as a parameter in which we have expressed two different variables. Y is a function of x, t, and x is again function of t. So obviously there must be some relation between x and y also, and in that case we can find out dy by dx by using this formula. So then dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. Obviously agar yahan par denominator hai to denominator zero nahi hona chahiye. Theek hai, kisi bhi definition mein agar denominator aata hai to zero nahi hona chahiye. अब यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स. ठीक, सी एक बार फिर समझते हैं, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी. नाउ इफ एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शंस ऑफ टी, इट मींस दे कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, वेयर टी इज अ थर्ड वेरिएबल और पैरामीटर. नाउ नॉट नेसेसरी कि टी होगा, कभी कभी थीटा होता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, आर यस टी, ठीक इस तरीके से हो सकता है. तो जो भी वेरिएबल जिसका फंक्शन होगा उसके साथ डिफरेंशिएट होता है, ये तो हमें मालूम है. तो अगर एक्स और वाई दोनों भी टी के फंक्शन है तो टी के साथ डिफरेंशिएट हो गए, वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी टी. दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो तो डी टी डी टी कट अगर हो जाता है तो आपके पास बचता है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि आपके लिए जरूरी है. ठीक है, वाई बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, किसी और चैनल के थ्रू रिलेशन मेंशन किया है. चैनल क्या है यहाँ पर? T, that is a parameter, and therefore these functions are called as parametric functions. Okay, so is it clear, Dia? Yes, sir. तो basically x और y दोनों के पास एक common term है, उस term से दोनों को differentiate. बराबर x को भी t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, उनका रेशियो ले लेंगे, एंड देन वी विल गेट dy by dx. करेक्ट, ठीक. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.6.
find y by dx. Okay. Now, before starting with this exercise, let me first tell you कि क्या होता है कभी कभी ये जो पैरामीटर है ना वी कैन एलिमिनेट दिस पैरामीटर यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सर्टन क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सर्टन क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री अगर इन 10th में भी है 11th में भी है एलिमिनेट थीटा इफ ठीक है एलिमिनेट थीटा इफ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के जो क्वेश्चन थे किस तरह के हुआ करते थे अगर आपको याद होगा x is equal to a sin theta y is equal to a cos theta So if we have to eliminate theta, then what we, exactly we are doing? हम x square निकाल लेते थे जो होता था a square sin square theta. हम y square निकाल लेते थे जो होता था a square cos square theta. फिर हम करते थे x square plus y square which is equal to a square sin square theta plus a square cos square theta. मतलब a square in bracket sin square theta plus cos square theta. And this is one. So it becomes x square plus y square equal to a square. तो इस रिलेशन में आप ऑब्जर्व करेंगे इन दिस रिलेशन देयर इज नो थीटा थीटा जो कि एक कनेक्टिंग वेरिएबल था पैरामीटर था थर्ड वेरिएबल था वी हैव एलिमिनेटेड थीटा ओवर हियर क्लियर तो ऑब्वियसली ये भी है कि अगर किसी टाइप के इम्प्लिसिट फंक्शन अब यहाँ पर जो इक्वेशन मिला है मुझे ये पर्टिकुलर इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन है बता सकते हैं किस कर्व का इक्वेशन है विच इज दिस कर्व ये एक पर्टिकुलर कर्व है ये किस कर्व का इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन है करेक्ट रेडियस कितनी है उसकी इस सर्कल की रेडियस कितनी है ए सेंटर कहां पर है जीरो 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 मतलब ओरिजिन पर है ठीक है तो दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल मतलब उस सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज given by a square अगर है तो radius होगा आपका a clear so this type of circle तो अब क्या होता है कि मान लीजिए there are certain types of equations in implicit form या अगर आप बोलेंगे explicit form में बोल सकते तो इनको आप parametric में convert करके उनका derivative निकाल सकते sometimes we can also eliminate these variables to find out relation directly relation between x and y ठीक you can find out eliminate variable and find out direct relation between x and y and then also you can find out dy by dx so number of ways are there so jahan par bhi multiple methods aate hain humne pehle bhi discuss kiya tha ki agar multiple methods aate hain so we have to choose any method according to our experience theek hai ki bhai kaun si method se jaldi answer aa jayega and if the particular method is mentioned then in that case there is no choice you have to solve it by that particular method only एक बेसिक रूल है मैथमेटिक्स ठीक तो इसको ऐसे करके फिर सॉल्व कर सकते हैं फिर ऐसे गिवन में क्वेश्चन है इसको ऐसे इधर हमने कन्वर्ट कर लिया फिर हमने सॉल्व कर लिया एनीवे वी कैन सॉल्व इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल बट जहां पर पॉसिबल होगा वहां पर आप जरूर कर सकते ठीक तो ये हमने समझ लिया तो इस टाइप के पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं अब जो मैंने सर्कल तो मिटा दिया बट उस सर्कल के ऊपर जो जनरल पॉइंट है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म a sin थीटा कॉमा a cos थीटा एनी जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑफ द फॉर्म a sin थीटा कॉमा a cos थीटा जो मैंने पहले ही लिखा था मतलब x और y कोऑर्डिनेट बेसिकली ठीक तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी घूम कर आ गए क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है ध्यान रखें नथिंग इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जाएंगे तो सब इंटर रिलेटेड मिलेगा चलिए वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन सो इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन व्हिच इज द पैरामीटर आप मुझे बताएंगे कि पैरामीटर कौन है बताइए यहाँ पर पैरामीटर कौन है फर्स्ट क्वेश्चन में टी स्क्वायर T, ठीक है T is the parameter, not A. A is the constant. अब इसके लिए पता नहीं शायद मैंने आपको बताया था नहीं बताया था अगर नहीं बताया था तो एक बार समझ लीजिए We are having 26 letter in English. A, B, C, D, E, F, G, U, V, W, X, Y, Z. So now it is a general
डिनोशन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एक जनरल हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो स्टार्टिंग वाले है ना इनको हम यूज करेंगे कॉन्स्टेंट्स में, और जो एंडिंग वाले है इनको हम यूज करेंगे वेरिएबल्स में। और ये डिफरेंस जानना कैलकुलस पार्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज अ कांस्टेंट एंड व्हिच इज अ वेरिएबल, क्योंकि आपको मालूम है कांस्टेंट की ट्रीटमेंट अलग होती है, वेरिएबल की ट्रीटमेंट अलग होती है। लॉग फाइव का डेरिवेटिव 1/5 नहीं होता है, हमने पहले डिस्कस किया, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वैसे लॉग ए का भी नहीं होगा, लॉग बी का भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, बट वी ट्रीट U, V, W, जैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में फंक्शंस लिए तो हमें कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W स्पेक्स, बिकॉज दीज लेटर्स आर यूज्ड फॉर वेरिएबल्स। तो कैलकुलस में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। Now here, x is the function of t, y is another function of t, and since both of these are functions of t, we can differentiate these with respect to t. तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dt, 2a is the constant, t square का डेरिवेटिव 2t, it becomes 4at, dy by dt अगर हम निकालते हैं, so it is a is the constant, t raised to 4 का डेरिवेटिव 4t raised to 3, 4at raised to 3, दोनों डेरिवेटिव हमने सेपरेटली निकाल लिए, we need dy by dx, so therefore dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt. अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सिली मिस्टेक है वैसे तो, कभी कभी x पहले देते हैं y बाद में देते हैं, कभी ये भी होता है कि y पहले लिख देते हैं x बाद में लिखते हैं, तो आप ये मत पकड़ के चलिएगा कि पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रॉपरली देख लेना है कि dy by dt कौन है, dx by dt कौन है, ठीक है, पहला दूसरा समझ के नहीं चलना, कभी कभी ये x और y रिवर्स ऑर्डर में भी देते हैं। तो dy by dt क्या है मेरे पास, 4at cube, dx by dt कितना है 4at, 4a 4a कट हो गया, t इसके साथ कट होकर के बच गया t square. So as you can observe, since x and y both are functions of t, therefore dy by dx is also in terms of t. It is also in terms of t. अगर मान लीजिए इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा, we can use these relations again. जैसे कि t square की वैल्यू अगर आपको यहाँ से निकालनी हो, t square is nothing but x upon 2a. T square is nothing but under root of y upon a. Just for your understanding, mathematical knowledge. बाकी हमारे लिए तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो क्लियर है किस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है पैरामेट्रिक का? यस सर। ओके चलिए थर्ड वन। x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. So again here differentiate with respect to t, since t is the parameter, so dx by dt मिलेगा हमें, sin t का derivative cos t, हमें dy by dt भी मिल सकता है यहाँ पर, जो कि cos 2t का derivative होगा minus sin 2t, ठीक है, cos 2t का derivative minus sin 2t into 2t का derivative मतलब 2. आगे हम डायरेक्टली dy by dx लिख देते हैं, which is nothing but dy by dt divided by dx by dt, which is equal to, not is dy by dt, it is minus 2 sin 2t, minus 2 sin 2t divided by dx by dt is cos t. इस टाइप वाले फंक्शन में जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है तो वहां पर जरूर आपने सिंप्लीफिकेशन किसी टाइप का हो कर लेना। हमने माइनस में आइडेंटिटी रख दिया इनटू साइन 2t का फार्मूला होता है 2 sin t cos t, डिनोमिनेटर में आपके पास है cos t, कट गया ये cos t, बच गया माइनस 4 sin t। फिफ्थ वन, x is equal to
cos theta minus cos 2 theta. Cos theta minus cos 2 theta. Y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Let us, अब यहाँ पर पैरामीटर कौन है बताइए? थीटा, करेक्ट. पैरामीटर इज द म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ एक्स एंड वाई. फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप कभी कभी वो कंसेप्ट देखते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड. ठीक है, एक्स इज वन पर्सन, वाई इज अनदर पर्सन. थीटा इज म्यूचुअल टू बोथ ऑफ देम. दैट इज अ म्यूचुअल फ्रेंड कंसेप्ट. ठीक है, देयर मस्ट बी सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ऑल्सो, एंड देयर फोर वी कैन डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देयर फोर वी कैन गेट डीवाई बाई डीएक्स. लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप किसी के थ्रू है तो किसी के थ्रू जाना पड़ेगा. तो थीटा के थ्रू अगर है तो हम थीटा के थ्रू जाते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो हमें एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा. कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा इंटू टू, which is equal to, again minus minus plus है तो पहले लिख लेता हूँ, 2 sin 2 theta minus sin theta. Minus minus plus हो गया, 2 sin 2 theta minus sin theta. Okay. Now next, dy by d theta. Sin theta का derivative हो जाएगा cos theta minus sin 2 theta का derivative. Cos 2 theta into 2. ठीक है, इतना ही रह देते हम, and therefore we'll get dy by dx and dy by d theta upon which is equal to dy by d theta में मेरे पास cos theta minus 2 cos 2 theta divided by यहाँ पर है 2 sin 2 theta minus sin theta. तो कुछ डाउट अगर होगा तो पूछ लीजिए. तो न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज होगा, तो कहीं ना कहीं पे कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम उस तरीके से कर सकते हैं. बट हियर इट इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व बाय यूजिंग
knowledge of parametric functions only. Okay? So we find out separate derivatives of x and y. Let us differentiate with respect to t. हमें पहले मिलेगा dx by dt. अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन के रूल, सारी चीजें एक साथ यूज होगी. दिस इज कोशेंट रूल, यू अपॉन वी. कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. चलिए एक बार लिख लेता हूँ मैं, अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन ऑल्सो. ठीक है, पहली बार मैं यू इनटू वी यूज कर रहा हूँ, तो आई विल राइट इट डाउन. ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. अब ध्यान दीजिएगा कि जब मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ तो मैंने डी डी टी लिखा है, डी डी एक्स नहीं लिखा. ठीक, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. ठीक, नाउ लेट अस सिंपलीफाई दिस. It is under root cos 2t into sin cube, का derivative होगा 3 sin square t, and into sin t का derivative मतलब cos t minus sin cube t into root, root का derivative होगा 1 upon 2 root, and into root के अंदर t नहीं था, cos 2t था, तो cos 2t का derivative माइनस साइन टू टी इंटू टू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, कॉस टू टी बचे. दिस इज इक्वल. अब न्यूमरेटर में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये टर्म डिनोमिनेटर में. ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं टू और ए टू तो कट हो गया. Now, if we take LCM of numerator as under root cos 2t, LCM हमने numerator का क्या ले लिया? Under root cos 2t. ये कहाँ पर जाएगा? Denominator में. तो denominator में अब मेरे पास हो गया cos 2t और उसके साथ हमने जो LCM लिया वो मतलब under root cos 2t. अब now this under root will get multiplied with first term. तो under root into under root. Under root निकल जाएगा, बचेगा cos 2t into a. b sin square t into cos t, यहाँ पर है माइनस sin cube माइनस, और ये वाला भी माइनस, मैंने प्लस कर दिया sin cube t into sin 2t. ठीक, हाँ, अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो इधर cos t है. ठीक, यहाँ पर साइन टू टी को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करके. ये फर्स्ट टर्म में हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस टू टी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस सेकेंड टर्म में साइन टू टी इंटू साइन टू टी मतलब टू साइन टी कॉस टी होल डिवाइडेड बाय cos 2t into under root cos 2t. ये कितना होगा? cos 2t raised to cos 2t raised to कितना आएगा यहाँ पर नंबर? Yes, correct. 3 by 2. This is raised to 1. This is raised to 1 by 2. 1 plus 1 by 2, 3 by 2. Now, this is equal to. अब numerator में आप observe करेंगे क्या-क्या common है? एक तो cos 2t common है मेरे पास direct. दूसरा साइन स्क्वायर टी भी कॉमन आएगा. ठीक है, साइन स्क्वायर टी भी कॉमन होगा. तो हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर टी और कॉस टू कॉस टी, तो साइन स्क्वायर टी इनटू कॉस टी, ब्रैकेट में क्या बच गया मेरे पास? साइन स्क्वायर कॉस कॉमन हो गया, थ्री कॉस टू टी प्लस यहाँ पर साइन टू है नंबर, तो चलिए टू लिख लेता हूं मैं. फिर साइन और साइन क्यूब मतलब साइन रेस टू फोर है, हमने साइन रेस टू टू कॉमन लिया है, तो साइन रेस टू टू यहाँ पर बचेगा टी, कॉस टी तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके, होल डिवाइडेड बाय कॉस टू टी रेस टू डिवाइड टू, एंड दिस इज डीएक्स बाय डीटी ओनली. अभी हमारा आंसर हुआ नहीं है, तो हाफ क्वेश्चन हुआ.
वैसे आपका आएगा डीवाई बाय डीटी भी, वैसे हमें डीवाई बाय डीटी भी निकालना। एक बार इसे आप लिख लीजिए क्योंकि सेम जगह डीवाई बाय डीटी के भी लगेगी। सो आई विल रिटर्न इट डाउन। यस सर। ओके तो चलिए डीवाई बाय डीटी निकालते हैं फिर। डीवाई बाय डीटी क्या होगा? डीवाई बाय डीटी डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैंने पहला स्टेप बचा लिया लिखने का काम, हम आगे जरूर लिखते थे तो कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे साथ। अरे ये मैंने मिटा दिया इसका आंसर। मैंने लिखा है लिखा है ना आपने? चलिए ठीक, क्योंकि वो लगेगा ना फाइनल आंसर के लिए हमें। ओके तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अंडर रूट कॉस 2t इनटू कॉस क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 कॉस स्क्वायर t इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस t जो कि होता है माइनस साइन t, मैंने ब्रैकेट दे दिया। फिर माइनस कॉस क्यूब t इनटू अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t इनटू कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इनटू 2 होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कॉस 2t। सेम प्रोसेस होगा, इधर भी ये 2 के साथ कट हो जाएगा, अंडर रूट एलसीएम होगा जो इसके साथ जाएगा, अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा कॉस 2t इनटू एक बार माइनस साइन पहले लिख लो, चलिए माइनस साइन मैंने पहले लिख लिया, फिर अंडर रूट मल्टीप्लाई आ तो 3 भी है यहाँ पर, फिर उसके बाद कॉस 2t कॉस स्क्वायर t और इधर है साइन t। ठीक अंडर रूट मल्टीप्लाई किया है बस, अब बाकी माइनस 3 यहाँ पर कॉस स्क्वायर t साइन t। सेकंड टर्म में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंडर रूट तो कट गया, बच गया आपके पास cos cube t और sin 2t whole divided by cos 2t and into जो हमने LCM लिया था मतलब under root cos 2। So further this is equal to, अब numerator में देखिए cos 2t cos 2t sin t, इधर ये sin 2t का ही एक फार्मूला हम यहाँ पर बस यूज कर सकते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस 3 cos 2t फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस cos 2t sin 2t का डेरिवेटिव होता है sin 2t का फार्मूला है 2 sin t cos t होल डिवाइडेड बाय ये सेम cos 2t raised to 3 by 2, this is equal to, अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन है देखिए sin t cos 2 cos t और sin t और cos square t हम यहां से उठा लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा, हमने निकाल लिया cos square t इनटू साइन टी कॉमन हो गया ब्रैकेट में माइनस 3 कॉस 2 टी इधर होगा प्लस 2। ठीक है कॉस स्क्वायर टी हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक कॉस बच गया इधर एक कॉस बच गया मतलब कॉस स्क्वायर टी बच गया, साइन टी तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके डिवाइडेड बाय cos 2t bracket plus 3 by 2. So that is our answer for dy by dt. And then we can find out dy by dx as dy by dt divided by dx by dt, which is equal to dy by dt तो है मेरे पास, जो निकले तो मेरे पास क्या है जो cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में है माइनस 3 cos
टू पी प्लस टू कॉस स्क्वायर पी होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ठीक है डीवाई बाय डीटी का डिनोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर डीएच बाय डीटी का भी, तो वो हो जाएगा कट और क्या आप सीधा लिख देंगे जो भी डीएच बाय डीटी का आंसर होगा, क्या है डीएच बाय डीटी का आंसर बताएंगे एक बार, कॉस टी हाँ साइन स्क्वायर टी इनटू थ्री कॉस स्क्वायर टी कॉस थ्री कॉस टू टी ब्रैकेट में थ्री कॉस टू टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी टू साइन स्क्वायर टी ओके, फाइनल आंसर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जो कि कट हो गया और आंसर, और इस आंसर में पास्क्वायर में जो स्क्वायर है पास्क्वायर के साथ कट गया, साइन टी जो है साइन स्क्वायर के साथ कट गया, तो कॉस टी अपॉन साइन टी इट इज व्हाट इट इज कॉट टी कॉस अपॉन साइन कॉट, न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट है होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सॉरी हाँ डिनोमिनेटर का ब्रैकेट क्लियर, सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ते हैं, नाउ दिस अगेन कैन बी सिंपलीफाइड इफ यू आर यूजिंग सर्टेन फार्मूले फॉर पार्ट 2 थीटा ओवर हियर, दिस कैन बी सिंपलीफाइड फर्दर, बट यहां तक भी ठीक है हमारे लिए, बाकी फिर आगे अगर आप सिंपलीफाई करना है तो आप उधर पास स्क्वायर है तो यहां पर आप पास स्क्वायर वाला एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, इधर साइन स्क्वायर है तो यहां पर आप साइन स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसे कर देंगे और इसे करके 2 पास स्क्वायर माइनस 1 देन यू विल गेट अगेन थोड़ा बहुत और थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा, तो आई विल लेफ्ट दिस जॉब टू यू, आप सिंपलीफाई से और करके देख सकते हैं। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9, x is equal to a sec theta comma y is equal to b tan theta, now again in this type of question agar mujhe parameter eliminate karna hai to hum 11th mein dekh chuke 10th mein bhi dekh chuke, jaise ki hum isse convert karte hain sec theta matlab x upon a tan theta y upon b, हमारे पास आइडेंटिटी है x square minus tan square is equal to 1, थीटा वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट आप इस तरीके से भी कर पाएंगे, बट वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन, इट इज इक्वल टू a कांस्टेंट sec थीटा का डेरिवेटिव होगा sec थीटा इनटू tan थीटा, फिर यहाँ पर निकालते हैं डीवाई बाय डी थीटा, बी इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा, नाउ देयरफॉर डीवाई बाय डी एक्स डीवाई बाय डी थीटा अपॉन डीएक्स बाय डी थीटा एंड इट इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा divided by a sec theta tan theta, अब इसे हमें simplify करना है तो हो जाएगा b upon a into sec theta square के साथ कट जाएगा, numerator में बचा sec theta which is nothing but 1 upon cos theta into इधर 1 upon tan theta मतलब cos theta upon sin theta, it becomes what cos theta cut ho gaya b upon a into 1 upon sin matlab
कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके, कैलकुलस में जब भी काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आती है। Yes, sir. चलिए तो लास्ट क्वेश्चन रिमेंस। क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू under root of a raised to psi inverse p y is equal to under root of a raised to cos inverse p so that dy by dx is minus y minus y upon x. So now, in this particular question, as you can observe, जब जो भी हमने